नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। नेशनल हेरल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार यानी कि आज दूसरे दिन भी कार्रवाई की, तो अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, संजय राउत, पार्थ चटर्जी और उनकी महिला मित्र, उसके बाद अब अगला कौन? तो उसके बाद अगला नंबर फिर सोनिया का ही आता है, सोनिया गांधी, और उसके साथ उनके सपुत्र राहुल गांधी। खैर, ये बात की बात है। ईडी ने दिल्ली के हेरल्ड बिल्डिंग में यंग इंडिया कंपनी का ऑफिस सील कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच एजेंसी ने ये कार्रवाई मंगलवार को ही ईडी की टीम ने सुबह देर शाम तक नेशनल हेरल्ड के दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत 16 ठिकानों पर छापे मारे थे। ये कार्रवाई सोनिया और राहुल से पूछताछ के बाद की गई थी। इस छापेमारी के खिलाफ नेशनल हेरल्ड दफ्तर के बाहर काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की और ईडी की कार्रवाई पर राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस आप लोगों की है और आप कांग्रेस की ताकत है, हमें तानाशाह के हर फरमान से लड़ना है। ये कहकर के उन्होंने अपनी एक तरह से भड़ास निकाली है। नेशनल हेरल्ड केस में सोनिया गांधी से 3 दिन में 12 घंटे सवाल हुए थे, 21 जुलाई को 3 घंटे, 16 जुलाई को 6 घंटे और 27 अगस्त को 3 घंटे ईडी ने पूछताछ की थी। इस दौरान उनसे 100 से ज्यादा सवाल किए गए थे और ईडी ने राहुल गांधी से भी जून में 5 दिनों में करीब 50 घंटे से ज्यादा पूछताछ की थी। यंग इंडिया से जुड़े हुए कुछ सवाल ईडी ने सोनिया से किए थे कि यंग इंडिया लिमिटेड संस्था किस क्षेत्र में काम करती है, लेन देन से जुड़ी कितनी बैठकें आपके आवास 10 जनपद पे हुई, लेन देन के बारे में आपको क्या जानकारी है, इसके शेयर किस तरीके से बिके। सुब्रमण्यम स्वामी ने अब ये नई बात कही है कि राहुल और सोनिया भी जेल जाएंगे। नेशनल हेरल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस को सबसे पहले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ही उठाया था। उन्होंने ये कहा भी है कि उनकी ईडी से बात हुई है, मामले की जांच एकदम सही दिशा में चल रही है और उनका ये भी कहना है कि नेशनल हेड केस में सोनिया राहुल जेल जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि नेशनल हेरल्ड केस है क्या आखिर। नेशनल हेरल्ड केस का मामला सबसे पहले भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में उठाया था। अगस्त 2014 में ईडी ने इस मामले को स्वतः संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को आरोपी बनाया था। तो अब देखना यह है कि अगली बारी किसकी है, क्योंकि ईडी की जो जांच है बहुत तेजी से चल रही है। ईडी को ये शक है कि डोटेक्स कंपनी ने 1 करोड़ रुपए का जो लोन यंग इंडिया को दिया वो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए दिया था। अधिग्रहण में यंग इंडिया कंपनी को एजेएल के 9 करोड़ के शेयर मिले, तो वहीं सोनिया और राहुल गांधी ने कहा कि पैसों के लेन देन को पूरा मामला मोतीलाल वोरा हैंडल करते थे। और मैं आपको बता दूं कि यंग इंडिया के 4 शेयर होल्डर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस थे। इसमें से सोनिया और राहुल के पास कंपनी के 76% हिस्सेदारी थी और नेशनल हेरल्ड ने अपना लोन चुकाने के लिए कांग्रेस को 90 करोड़ रुपए का लोन दिया था, जिसे बाद में पार्टी ने इस लोन को माफ कर दिया था। तो ये काफी बड़ा गेम है, इसीलिए सारी जांच पड़ताल चल रही है। अब देखना यह है कि ईडी कब सोनिया पर और राहुल पे हाथ डालते हैं, कब उन्हें अरेस्ट करते हैं, क्योंकि इस समय पार्थ चटर्जी, उनके महिला मित्र और संजय राउत, ये सब ईडी के हिरासत में है। सबको रिमांड पे लिया गया है। कहिए कि सबके गृहचाल काफ़ी खराब चल रही है। आप देखते रहिए मेरा चैनल एमबी स्पीक्स और अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगी किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।